पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। रागिनी भी फोन स्विच ऑफ करके बैठी है। अरे अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो कम से कम दादी के फोन से कॉल कर सकती मुझे। देख ना, जब से ये लोग गए मीत भाऊ ने एक बार फोन नहीं किया। उसकी दादी का भी फोन आया था लेकिन वो भी बीच में कट गया। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर से इनको उन दोनों से बात करने को नहीं मिला तो ये दोनों कितने परेशान हो रहे हैं। और अगर इनको पता चल जाए कि वो दोनों को टेरर। नहीं, हम उन दोनों को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। मीत बहू ने तो इस घर की दरारों को भरने के लिए अपनी जिंदगी कई बार दांव पर लगा दी। और रागिनी, उसने तो अपनी ममता से इस घर को सींचा है। इस घर का हर सदस्य इस घर का एक स्तंभ है। अगर एक स्तंभ भी हिल गया तो ये घर ढह जाएगा पुत्र। नहीं, मुझे पूरा यकीन है तू जाएगा और उन दोनों को वापस लेकर आएगा। मुझे यकीन है। जा पुत्र, जा। इस बच्चे के आने से पहले हम सब बिखरी लकड़ियों की तरह थे। इसने हम सबको एकजुट कर दी। वो बदमाश 5 है और हम उन चिड़ियों की तरह हैं जो उनके जाल में फंस गए हैं। लेकिन अगर हम एकजुट हुए ना तो भारी ते भारी जाल ने उड़ा सकते हैं। हम उन बदमाशों ने मिलकर हराएंगे भी और यहाँ से बाहर भी निकलेंगे। अच्छा, और उन आतंकवादियों को हरा के यहाँ। क्या पुत्र, तू मेरा शेर है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।